हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। मैं भी अभी मस्त गोवा में बैठा हुआ हूँ और आज इंडिया और बांग्लादेश का टेस्ट मैच देखा। मस्त मैच था यार, होप आपने भी देखा होगा। इंडिया ने 2 दिन में ही मैच ख़त्म कर दिया और डिमोलिश कर दिया बांग्लादेश को। काफ़ी डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस था, बहुत अच्छा लगा देख के मैच। 2 दिन तो बारिश में एक भी मैच नहीं हुआ। Day 1 में 35 overs, उसके बाद Day 2 और 3 में कोई बारिश नहीं हुई। बहुत हल्ला मचा कि भाई मैच नहीं हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है। सारे फैंस डिमोटिवेट हो गए थे कि मैच क्यों नहीं हो रहा यार, बारिश की वजह से पिच ऐसी वैसी। बट तो इंटेंट इंडियन टीम ने दिखाया, बहुत ही अमेजिंग था और मैच को एकदम सिंगल हैंडली ख़त्म कर दिया। मात्र 35। पहले तो सबसे पहले बहुत अच्छा बॉलिंग परफॉर्मेंस किया और बांग्लादेश को ऑल आउट किया Day 4 पे, आई थिंक सेकंड सेशन में। और उसके बाद जब बैटिंग करने आए तो भाई फास्टेस्ट 50 टीम 50, फास्टेस्ट टीम 100, फास्टेस्ट टीम 150, फास्टेस्ट टीम 200 एंड फास्टेस्ट टीम 250। थर्ड मात्र 250 ओवर, मात्र 35 ओवर ही बैटिंग किया इंडिया ने और सभी ने अच्छा परफॉर्म किया। सबका इंटेंट क्लियर था बॉल वन से कि भाई मारना है, मैच जीतना है, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। और पहले कई बार ऐसा इंटेंट नहीं होता था, बट ये इंटेंट काफ़ी सही था। बहुत ही अटैकिंग है, रोहित शर्मा ने भाई टीम का एकदम ही एक अलग इंटेंट में लेके जा रहा है और उनके साथ बाकी टीम मेंबर्स भी। सो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था इंडिया का। सो उसके बाद जब बैटिंग करने भी आए तो काफ़ी सभी, मतलब किसी ने भी अपना विकेट का नहीं सोचा। और फाइनली KL राहुल ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया और देखा कि उन्होंने भी 50 मार के अपने आप एक बार पोजीशन फिर से सेव किया है। हालांकि अभी उनका जगह देखो कहाँ बनता है ऑस्ट्रेलियन सीरीज में, मुझे लगता है वहाँ पे ऑलराउंडर आएगा। बट जिस नंबर पे वो बैटिंग कर रहे हैं 6 पे, वहाँ पे मे बी हार्दिक पांड्या की वापसी हो सकती है ऑस्ट्रेलियन सीरीज में, जैसा भी लग रहा है। और बाकी फिर से इंडिया ने Day 4 में बॉलिंग किया, 2 विकेट अश्विन ने निकाला और आज तो फर्स्ट सेशन में ही मुझे एक्सपेक्टेड था कि सब आउट हो जाएंगे। तो फर्स्ट सेशन में ही आउट होना था सबको, ऐसे ही एक्सपेक्टेड था। और उसके बाद जब इंडिया बैटिंग करने आया तो यार 95 रन्स, तो इंडियन कंडीशन में, होम कंडीशन में तो इंडिया आराम से बना लेता, उसमें कोई डाउट नहीं था। और बहुत ही अच्छा मैच रहा, मज़ा आ गया देख के। भले ही 2 दिन टोटल बोले तो 2 दिन भी नहीं लगा इंडिया को मैच जीतने में। तो भाई कैसा लगा आप लोग को मैच, ये भी बताना कमेंट में। बहुत मस्त मैच था, मज़ा आ गया फुल टू। और सभी प्लेयर्स ने, कोहली ने, हमारा KL ने, रोहित, यशस्वी, शुभमन, सब ने अच्छा परफॉर्म किया। और बॉलिंग में चड्डू, अश्विन, सिराज और फील्डिंग बहुत ही अमेजिंग थी इंडिया की। कल जो कैचेस लिए किया रोहित शर्मा ने और सिराज ने, वो बहुत सही थे। पूरी टीम की फील्डिंग बहुत ही ज़बरदस्त थी। बांग्लादेश, मतलब लिटरली इंडिया ने दिखाया कि भी, मतलब छोटी टीमों को कैसे हराया जाता है। जो वो एक फेज़ हुआ करता था जैसे ऑस्ट्रेलिया सबको पीटा करता था, कुछ उसी तरीके से पीटा है इंडिया ने। तो अब इंडिया का टाइम है भाई, पिछले, वैसे भी इंडिया, मुझे लगता है कि पिछले 7-8 साल से बहुत ही खतरनाक क्रिकेट खेल रही थी, जब से कोहली कैप्टन बना था। मतलब धोनी के टाइम में भी इंडिया ने डोमिनेट किया था, बट कोहली के बाद और फिर रोहित के बाद एक एक लेवल अप ही होता गया है। तो बहुत ही सही था यार मैच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर सब्सक्राइब करना अगर फर्स्ट टाइम हो। बाय, हैव अ नाइस डे।